सुबह का बज गया है 8। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मॉर्निंग में आज मंगलवार है और आज मॉर्निंग न्यूज है, रेखा ने श्री स्वामीनारायण भगवान के सुंदर से वस्त्र चयन किए हैं और आज के दर्शन स्वामीनारायण भगवान के पिंक वस्त्र में है। तो अभी आज काफी बढ़िया सा दिन निकल आया है, मंगलवार है। मैं जा रहा हूँ रेखा के पास। पिज्जा का कल प्रोग्राम था, तुमने देखा होगा कैसे बढ़िया पिज्जा बनाए थे और बड़े भाई के घर हम तीनों भाई साथ में खाने के लिए बैठे थे। और अभी रेखा क्या कर रहे हैं मॉर्निंग में? जय स्वामीनारायण। अभी यहाँ उबलता हुआ मक्खन जो घी बनने जा रहा है और यहाँ भाखरी है, भाखरी कोरोना भाखरी। हाय रेखा, तो आज मॉर्निंग न्यूज क्या है? मॉर्निंग न्यूज क्या है आज बता दे। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, सच्चे मन से जो कोई गावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, सच्चे मन से जो कोई गावे उसका बेड़ा पार है। मॉर्निंग सुंदर से भजन से स्टार्ट हो गया है और अभी एक बाजू घी उबल रहा है, एक बाजू भाखरी बन रही है। तो अभी मक्खन के साथ भाखरी खाने के लिए हम बैठ जाएंगे। अभी मॉर्निंग में चकाचक भाखरी के ऊपर मक्खन खाएंगे, काफी मौज पड़ जाने वाली है। और पल गया है आज इलेक्ट्रिक बाइक की कुछ स्कूल में से रैली है और सभी स्टूडेंट के पास बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी जो विद्यार्थी के स्टूडेंट के पास है। तो पल भी हमारा ले गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल और आज रैली में स्कूल में तो शूटिंग नहीं ले पाता है, बैन है। तो दोपहर आएगा तो पूछेंगे क्या क्या एंजॉय किया है। तब तक मैं खाना खा लेता हूँ, बाद में मैं बढ़िया सा उखाना पूछता हूँ। दोस्तों, हिंदी उखाणा में समझ में नहीं आता है, हिंदी पहेलियाँ समझ में नहीं आती है, तो गुजराती में मैं उखाणा बोलता हूँ। पर मेरे को कॉमेंट में जरूर लिखिए कि कहाँ किस वजह से आप आंसर नहीं देते हो। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखते हो तो जरा मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों कि मैं उखाणा पूछूं या ना पूछूं, बंद कर दूं, अच्छा लगता है नहीं लगता है। तो जो भी हो मेरे को कमेंट में बताते रहिए। आज मंगलवार के दिन अभी मैं सुंदर सा उखाणा आज पूछने जा रहा हूँ, मैं पहले खाना खाने के बाद। तो दोस्तों, मॉर्निंग का नाश्ता खत्म होते ही मैं मेरा बढ़िया सा उखाणा पूछने आया हूँ। तो दोस्तों, सोच समझ कर जैसा भी आए आंसर देने का। तो दोस्तों, आज का मेरा बढ़िया सा उखाणा है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, और शहर है पर घर नहीं। तो दोस्तों, थोड़े बहुत उम्रे उतर के इसका राइट आंसर देने का अभी मैं जा रहा हूँ। अभी बज गया है 1:15 और मैं आ गया हूँ घर पे। अभी पल सोया हुआ है और रेखा ने अभी खाना निकाल दिया है, तो मैं फटाफट हाथ पैर धो के बैठ जाता हूँ खाने के लिए। लेट्स ने में है पापड़ है, हरगवा की कढ़ी है, मिर्ची है, रोटी है, छाछ है और भाई काफी बाजू में डर डर हो रहा है। हाय रेखा, क्या कर रही हो? खाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, अभी मैं खा लेता हूँ। तो अभी मैं खाना पीना सब खत्म करके दोपहर के बाद रेखा एंड पल आगे ले चलेंगे और बढ़िया सी कॉमेडी करेंगे। तो अभी पल बैठ सो गए हैं, अभी रेखा खाने के लिए बैठ गई है और ले चलेंगे रेखा एंड पल। अभी मम्मी क्या कर रहे? स्त्री और टीवी में गीत चल रहा है। आज मारे सैनिक बदा ओला शहीद એના મમ્મી પપ્પા બધા આવ્યા હતા રેલીમાં, રેલીમાં 2000 બેટરી વાળી ગાડી હતી એ બધી આશાદીપની, બધી સાત સ્કૂલ આશાદીપની, સાથે સાતની બેટરી વાળી ગાડી હતી, 2000 ગાડી હતી, સૈનિક શહીદ થઈ ગયા હોય એના મમ્મી પપ્પા આવ્યા હતા, એને તો જીપમાં બેહાડ્યા હતા આગળ સન્માન કર્યું છે, અને બીજા બધા બસમાં રાજસ્થાન થી આવ્યા હતા। સાંજે શું બનાવવાનું છે તો એની રેસીપી લઈશ આજે સાંજે। આજે સાંજે તારે ખાવું જ છે, બનાવવું જ છે, તો કારેલાનો ચા ચા મારને તો નવા વાઘા પહેરી દે ઓર એ ઝંડા મુજે ઇધર સે દિયા થા રેલી મેં સે ઓર ટોપી ભી દી થી બતાતા હું કિધર આમાં
देखो ये टोपी दी थी वहां से। कैसे लग रहे सिविलाइज। तो ऐसी टोपी भी दी थी इधर तिरंगा का वो क्या के कलर था वो लगाया था स्टिकर नहीं कलर कलर लगाया वही क्या नहीं आता है बे से झंडा बड़े बड़ा छोटा ये मैं लाया देखो भगवान के पास है ना वो मैं लेके आया था गाड़ी में लगाया था બહુ રોયા બહુ રોયા થઈ જાય આપણા માટે ઠેઠ ક્યાં લડે આપણે ત્યાંથી હોય એક વિશે तो अभी शाम को मिलते हैं। दादा खाने के लिए बैठ गए। हाय दादा कैसा है पुडला? अच्छा खाओ बचक बचक बचक। और अभी मम्मी इधर पुडला बना रही है। हाय मम्मी। हाय हाय मम्मी मैं जाओ कितनी बात कर ये रबड़ा पुडला ये मैं खाता हूँ। अबे कितना बनेगा इसमें? अभी पप्पा खाने के बाद मिलते हैं। बाय। तो अभी बज गया है 7:45 और मैं आ गया हूँ घर पे। और पापा तुम्हें खाई ली दू? हाँ। शू खा दू? पुडला है। शू बनाये आज? चना ना लोटना पुडला। वाओ रोजे रोज मौजे मौज। जब रोज दिन निकलता है और रोज नया नया कुछ ना कुछ खावाता। पल भाई को आज भाई पुडला खाने का था। पल भाई तू आज मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके कहाँ गया था? कारगिल विजय दिवस था। हाँ दोस्तों मैं एक बात बड़ी बताना भूल गया था। आज कारगिल विजय दिन है। मैं बात बताना भूल गया था। पल के स्कूल में इतनी बड़ी रैली थी कि भाई सब लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके जाने का। पल आज तेरी स्कूल में क्या फंक्शन था? कारगिल विजय दिवस था। कारगिल विजय दिन तो मैं सभी दोस्तों को बताना भूल गया था। तो दोस्तों आज कारगिल विजय दिन था और पूछते हैं पल को कि स्कूल में क्या क्या हुआ आज। चल 2000 ईवी बाइक थी। कितनी? 2000 सदीप की सब। वाह वाह वाह। और फंक्शन में क्या क्या था? क्या क्या कराया? रैली निकली थी। रैली गई थी। रैली गई थी पी सैनिको सही थी गया ना। મને ચાન્સ મળ્યો નહી અને હું શૂટિંગ લઈ શક્યો નહી બાકી તો હું તમને બધાને જરૂર બતાવે પણ પલ આપણને થોડુંક સમજાવશે પલ કે રેલી સ્કૂલે થી કેટલેક સુધી ગઈ હતી? પ્રાણી સંગ્રહાલય થી નીકળી હતી ત્યાં ફંક્શન હતું બધા યાદ આવ્યા પ્રાણી સંગ્રહાલય પર મિની બજાર ઓકે और कैसे रैली निकाली थी? ये सब दिया था वहां से टोपी ये झंडा। રેલી માંથી ટોપી અને ઝંડો આપ્યો છે તો ભાઈ આજે કારગિલ વિજય દિવસ છે અને ખૂબ સારો દિવસ કહેવાય। આશાદીપ સ્કૂલમાં પલ ભણે છે અને તે સ્કૂલનું જ આયોજન હતું કે બીજી સ્કૂલનું પણ? આશાદીપ જેટલી સ્કૂલ છે ને બધી ભાઈ ટોટલી આશાદીપ સ્કૂલ સુરત કી થી ઉસી કા એક કાર્યક્રમ થા તો મેં થોડા એક વિડિયો હે વો મેં તુમકો બતાતા હું પલ કે ફોન મેં સે મેં નિકાલ કે ઉસ બતાતા હું આપ દેખ લીજીએ।
तो भाई काफी बढ़िया वीडियो था और काफी बड़ी रैली निकली थी स्कूल से। अब आज खाने में कैसा मजा आ गया? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। पुडला कितने पुडला खा गए? 4 और दूध। तो अभी मैं जा रहा हूँ, पुडला का काम कहाँ पहुँचा है देखते हैं। रेखा पुडला बना रही है और मैं नाने जाने से पहले थोड़ा देख लेता हूँ कैसे बनाती है। वाह वाह वाह, गोल 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 गोल। और यहाँ देखो 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 देखो, तो अभी ये रख दिया है, इसमें हल्का सा ऑयल, बहुत कम डालना, मुझे ज्यादा ऑयल नहीं खाना पसंद है। और अभी ये 2-3 पुडले बन गए हैं, तो भाई मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, नहाने के बाद खाने के लिए मिलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों मैं आज नहा धो के रेडी हो गया हूँ और रेखा ने बनाया है बेस्ट बढ़िया सा पुडला और बैठते हैं खाने के लिए। रोज हमेशा भजन बढ़िया सा गाती है, आज कुछ नहीं गाया तुमने। और ये पुडला रेडी हो चुका है। मेरे वतन हमारे रहे तू जहाँ रहे वहाँ मैं मदद करूँ। मेरे वतन हमारे रहे तू, कितना मस्त है जाने। तो भाई बढ़िया सा ए वतन के लिए रेखा ने गाना गाया और हम लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। खाने में पुडला है और डिश रेडी हो चुकी है हमारी, दूध और पुडला बनाया है रेखा ने। रोज अच्छा अच्छा खाने के बाद कभी कभी सादा भोजन लेने में काफी बढ़िया मजा आता है। जब तक सादा भोजन नहीं खाएंगे तो चैन नहीं पड़ेगा। तो अभी खाना पीना खत्म करके कुछ नया करते हैं। पल भाई फोन में बैठ गए हैं, लेसन अभी खत्म कर दिया है। देखो 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 देखो, रेखा का काम खत्म होते ही बर्तन साफ करके अभी आ गई है। हाय हाय, कैसी हो? काम कर गया हूँ। अच्छा अच्छा, तो बर्तन का रसोई का रोज काम कर कर के थक जाती होगी ना? तो रेखा किचन में फिर से अभी बर्तन एक तरफ से बढ़िया सुंदर सा ठिकाने पे पहुंचाती हुई अभी रेखा आ गई। नीचे कौन है मेरे तो? हमने थोड़ी खबर हो। शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, सबके वास्ते निचार है मेरा मन, मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। तो दोस्तों कारगिल विजय दिवस पर आज खूब सरस रेखाए गीत गाई, उन्हें खूब मजा आई गई। तभी ये पल को स्कूल में से जो झंडा दिया है वो रेखा ने भगवान स्वामीनारायण के पास रख दिया है और भगवान ऐसा अपने देश का तिरंगा अपनी ये लकड़ी के साथ में रखा है चड़ी। और काफी बढ़िया दिखता है लकड़ी नो, क्या है चड़ी, क्या है छड़ी, तो छड़ी। तो दोस्तों अभी एक रेखा बढ़िया सा भजन सुनाने वाली है, तो फटाफट सुनते हैं कौन सा भजन है। दादा ने दरबार जाशु, दादा ना दरबार जाशु, वेरी नाइस। ऊपर तो भजन स्टार्ट किया जाए। दादा ने दरबार जाशु, सवार मां नित्य उठीने, श्रीजी नु मुखड़ू जोशु, सवार मां नित्य उठीने, वेले सवार मा घेला ना खाट मा खड़बड़े मन भरी नाशु, सवार मा नित्य उठीने माला प्रदक्षिणा दंडवत करशु, श्रीजी नो ध्यान धरी लेशु, सवार मा नित्य उठीने दादा ने दरबार संतो ने साथ मा सरियू ओरडा जोशु, सवार मा नित्य उठीने आंगणीए लिंबड़ा ना दर्शन करता, श्रीजी नो ज्ञान सामरी लेशु, सवार मा नित्य उठीने सवार मा नित्य उठीने श्रीजी नो मुख जोशु। तो दोस्तों भजन केवो लागो कमेंट करजो। कल का मेरा जो खाना था उसका राइट आंसर है चम्मच। किसी ने डिश भी लिखी है, किसी ने वाटकी भी लिखी है, सही आंसर है। पर चम्मच वो चीज है, कटती है, काटती है, कुछ भी चम्मच से हम करते हैं पर खा नहीं सकते हैं।
तो दोस्तों राइट आंसर देने वाले मेरे सभी व्यूअर्स का मैं नाम लेता हूँ, ठाकर जी भाई मेपाणी, मिथिला इनामदार, आरती मणियार, राजू जाविया, सागर पारेख, विके भाई, और काफी बढ़िया बढ़िया सुविचार देने वाले मेरे व्यूअर्स है राजू जाविया, जिन्होंने लिखा है हृदय रोग नु मोटो कारण जबरदस्त याद शक्ति छे, तेनो सच्चो इलाज छे बधु भूली जाऊ अने जतु करो। वेरी नाइस। हवे पछी छे अमारा धर्मसिंह भाई पटेल, जेओए लख्यू छे, जीवन का फ्यूज उड़ने से पहले जीवन को यूज कर लो, धीरज अपने लिए, प्यार दूसरों के लिए और करुणा सभी के लिए। वेरी नाइस। सुपर। और अभी आगे है अर्चना पंचाल, जिन्होंने लिखा है अभिमान कहे छे कोई जरूर नहीं पड़ती, पण साहेब अनुभव कहे छे चपटी धूलनी पण जरूर पड़े छे। वेरी नाइस। अर्चना बेने खूब सरस लख्यू छे। तो बस आज इतना ही, मिलेंगे कल न्यू व्लॉग के साथ, तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों मिलेंगे कल न्यू व्लॉग के साथ, तब तक बने रहे मेरे चैनल में। बाय बाय।